शिवाय। मंगलवार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रेवती नक्षत्र दिन में 1 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। आज चंद्रमा 1 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक सौंदर्य प्रिय, भाग्यशाली, हर काम में निपुण, धनी और लोकप्रिय होते हैं। ऐसे जातक थोड़े हठी और अपनी मन वाली करने को तत्पर रहते हैं। दूसरे के मन वाली बात मनवाना थोड़ा कठिन होता है। इनके नक्षत्र स्वामी केतु हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में शांति करवानी चाहिए। मेष राशि वाले जातक दोपहर तक अनावश्यक भागदौड़, अपव्यय और घरेलू खर्च में परेशान रहेंगे। दोपहर बाद रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, विकास की गति बनेगी और धन संबंधी मामलों में सहायता मिलेगी। निजी संबंधों में तनाव और संतान संबंधी मामलों में विश्वास पैदा होगा। धार्मिक मामला में थोड़ी कमी आएगी, विरोधी सक्रिय रहेंगे और बाहरी तत्वों की साजिश संभावित है। स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रमों पर सावधानी रखें। वृष राशि वाले जातकों को आज पत्नी पक्ष या अपने सुख सुविधाओं पर निवेश का योग बना हुआ है। दोपहर तक हर्ष और प्रसन्नता महसूस होगी। दोपहर के बाद मानसिक तनाव व दबाव की स्थिति कायम रहेगी। धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए हर काम को एक एक करके निपटाते जाएं। निजी संबंधों और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। किसी से कर्ज लेने की परिस्थितियां संभावित हैं। पिता पक्ष से सहयोग पूरी तरीके से कायम रहेगा। व्यावसायिक उपलब्धि और आर्थिक लाभ का योग चल रहा है। आपके लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए किसी महिला या सरकारी विभाग से सहयोग बना हुआ है। व्यावसायिक उत्थान के लिए आपके प्रयास सार्थक होंगे। निजी संबंधों को निभाने के लिए आपको समय निकालने में कठिनाई होगी। व्यावसायिक व्यस्तता के कारण निजी संबंधों की अवहेलना उचित नहीं होगी। विरोधी पक्ष दबा रहेगा। आपके मेहनत के अनुरूप आर्थिक उन्नति होती रहेगी। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। अध्ययन और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के लिए निजी और व्यावहारिक पक्ष आपके अनुकूल रहेगा। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत व्यावसायिक उन्नति में सहायक होंगे। रुके हुए काम आज फिर चल पड़ेंगे। अधिकारियों व शासन सत्ता का सहयोग आपके ऊर्जा स्तर को प्रेरित करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता और संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। समाज में व्यावसायिक सफलता के लिए सम्मानित किए जाएंगे। अपने खान पान और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। सिंह राशि के लिए पारिवारिक संलिप्तता बढ़ी रहेगी। निजी संबंधों में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति के लिए छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक सुधार के मामलों में आज समय कम पड़ेगा। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। विरोधियों की साजिश के शिकार हो सकते हैं। सावधानी अपेक्षित है। कन्या राशि के जातकों के लिए फेफड़े या कफ से संबंधित समस्या संभावित है। व्यावसायिक निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में कमी महसूस होगी। संतान और पारिवारिक चिंता का दौर बना रहेगा। निजी संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। विरोधी तत्वों के साजिश के शिकार हो सकते हैं। मन के नकारात्मक भावनाओं को दूर रखें। आर्थिक उन्नति संभव है। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। अनुकूलता मिलेगी। तुला राशि के लिए मित्रों के सहयोग और आपके प्रयास आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे।
व्यावसायिक उन्नति के लिए रचनात्मक प्रयास आवश्यक है। कार्य क्षेत्र को अनुकूल बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि के लिए अपने बात करने के तरीकों को विस्फोटक ना होने दें। वाणी में मधुरता आवश्यक है। दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रयास के बावजूद भी आपकी कार्य योजनाओं में बाधा संभावित है। व्यवसाय और आर्थिक पक्ष सामान्य चलेगा। चंद्रमा आज आपके छठवें घर में चल रहे हैं और राहु भाग्य भाव में विराजमान हैं। आसानी से कोई काम नहीं होने पाएगा। मन के नकारात्मक भाव को नियंत्रित करें। शाम के बाद अनुकूल माहौल पैदा होगा और सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। धनु राशि के लिए आपकी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति आपको और परिपक्व बना रही है। मौजूदा हालात में धैर्य की सीमा और बढ़ाएं। अभी के रचनात्मक प्रयास भविष्य के व्यावसायिक विकास में सहायक होंगे। आर्थिक उन्नति का दौर सामान्य है। अभी भी मेहनत का फल अधिकतर मामलों में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता निश्चित है। निजी संबंधों पर भी ध्यान देते रहें। मकर राशि के लिए अपने विचारों में एक रूपता बनाए रखें। धैर्य की सीमा रेखा को और बढ़ाने की आवश्यकता है। शीघ्र उत्तेजित होना आपको शोभा नहीं देगा। विश्लेषण करने की क्षमता को अपने आत्मविश्वास के साथ शामिल करें और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपने प्रयास और अंतर्मन के आदेश को व्यावसायिक विकास और निजी मामलों में निवेश के लिए करें। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। कुंभ राशि के लिए व्यावसायिक मामलों में निवेश का योग बना हुआ है। शासन सत्ता व अधिकारियों के सहयोग से अप्रत्याशित लाभ और व्यावसायिक उन्नति संभावित है। विवादित या रुके हुए मामलों को सुलझाने का प्रयास करें। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। शत्रु पक्ष दबा रहेगा। कोर्ट या न्यायालय से संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। शिक्षा व प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। मीन राशि के लिए व्यावसायिक संघर्ष की स्थिति महसूस होगी। दिन भर का समय उत्साहजनक बीतेगा। दोपहर के बाद मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आत्मविश्वास और कार्यशैली में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। इसके लिए योगा और हल्के फुल्के व्यायाम दिनचर्या में शामिल करें। अपने निजी घरेलू उपयोग की वस्तुओं में वृद्धि होगी। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। मित्रों से सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।